हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त तनिष, और आज हम करने लगे हैं इन हेयर पे सिंगल ट्यूब के साथ कलर। जी हाँ, हम कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स। आप हेयर की कंडीशन देख रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ क्लाइंट को बिठा लिया है। अभी मैंने क्लाइंट का जो है वो वॉश नहीं किया है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेक्शन निकाल रहा हूँ और एप्लीकेशन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने स्कॉचकॉफ का प्री लाइटनर लिया है, इसको 30 वॉल्यूम में 1:2 की मिक्सिंग करके जो है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मैं जो एप्लीकेशन है वो फ्रंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्लाइंट को कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए। क्लाइंट की डिमांड है कि जो कलर है वो मुझे गोल्डन एश में चाहिए, इसलिए लाइटनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है हमने, इसलिए हम जो है वो फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लस फ्रंट पे जो उनको कलर है वो विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, बट जो हाइलाइट्स है वो उतने ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो हाइलाइट्स की सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपकी भी क्लाइंट की यही डिमांड रहती है कि मुझे जो हाइलाइट्स हैं वो काफ़ी फाइन चाहिए, एकदम स्लीक हाइलाइट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, एकदम नेचुरल हाइलाइट्स लगेंगे आपके, बिल्कुल ओवर चंकी चंकी सा लुक नहीं आएगा, और पैच भी आपके जो हाइलाइट्स में है वो कम देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पे मैं सेक्शन है वो डायगनल ही ले रहा हूँ, डायगनल बैकवर्ड सेक्शन ले रहा हूँ। इसके साथ जो सेक्शनिंग है, जो मेरे स्लाइसेस हैं वो काफ़ी पतले हैं, आप देख रहे हैं, और जो प्री लाइटनर की एप्लीकेशन है वो मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ, बिल्कुल इवनली एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ताकि जब मैं फाइनल में इसको रिमूव करूँ तो कहीं पे भी मेरा पैच ना आए, कहीं पे भी ब्लैक पैच या फिर ऑरेंज पैच पैच ना आए। तो आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का बैक कॉम भी कर रहा हूँ, जो उनकी ब्रेकेज है उसको सेपरेट करने के लिए, और बाकी के हेयर पे जो है मैं प्री लाइटनर अप्लाई कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि इवनली जो टोन है वो प्री लाइटनिंग के बाद निकल के आए। तो एप्लीकेशन का वे आप देख सकते हैं, अच्छे से मैं हर एक सेक्शन पे अच्छे से ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ, और बैक टू बैक फॉइल लगा रहा हूँ। आप देखिए, कोई भी जो सेक्शन है मैं वो छोड़ नहीं रहा हूँ बीच में से, एकदम बैक टू बैक फॉइल लगाता जा रहा हूँ। बैक टू बैक फॉइल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो कलर की विजिबिलिटी है, जो कलर निकल के आए, निखर के आए, एकदम से वाइब्रेंसी जो है वो उसकी ज़्यादा है, इसलिए मैं बैक टू बैक फॉइल लगा रहा हूँ। अगर तो आपका क्लाइंट कम हाइलाइट्स की डिमांड करता है, या उसको चाहिए कि मुझे सटल कलर चाहिए, एकदम वाइब्रेंट नहीं चाहिए, तो आप बैक टू बैक फॉइल मत लगाइए, बीच बीच में से सेक्शन छोड़ छोड़ के 1-1 inches का गैप दे के फिर आप फॉइल लगाइए। इससे क्या होगा, आपके जो हाइलाइट्स की विजिबिलिटी वो थोड़ी नॉर्मल रहेगी। ऐसे ही अगर क्लाइंट ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो आप बैक टू बैक फॉइल लगाइए। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों साइड जो है वो कंप्लीट कर ली है, अभी हम हैं फ्रंट के ऊपर। तो फ्रंट पे भी मैंने जो उनकी फ्रंट के कुछ बेबी हेयर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, और जो नॉर्मल हेयर थे इनके बाकी के ऊपर वाले, उन पर मैं वैसे ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं बैक टू बैक फॉइल लगा रहा हूँ। तो जो सेक्शनिंग है आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं बेसिक सेक्शनिंग पे काम कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा सेक्शन मैंने नहीं लिए हैं, बस दो साइड सेक्शन लिए हैं जो, और एक बॉक्स सेक्शन लिया, और पीछे से मैंने एक सिंगल सेक्शन लिया है। सो बेसिकली टोटल 4 सेक्शन पे ही हम वर्क कर रहे हैं, कुछ होर्सशू सेक्शन वगैरह या फिर मैंने कोई अलग से कोई स्पेशल सेक्शन नहीं निकाले, बिल्कुल बेसिक सेक्शन है। अगर आप बेसिक से ये कलर कर रहे हैं, या आप भी बेसिक वर्क कर रहे हैं और आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो आप ये सेक्शन फॉलो कीजिए, आप इजीली रिजल्ट आपको जो है वो अचीव हो जाएगा। सो दोनों साइड पे मेरा फॉइल लगने के बाद मैं हम आगे हैं बैक साइड पे, आप देख सकते हैं जहाँ पे फ्रंट पे मेरे कलर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्री लाइटनिंग हो गई है, वहाँ पे मैंने फॉइल को जो है रिमूव कर दिया, अभी हम बैक पे जो है फॉइल लगा रहे हैं। तो अब आप देखिए बैक पे जो फॉइल है वो मैं सेक्शन जो है वो हैवी ले रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि हेयर जो है वो मोटे ले रहा हूँ यहाँ पे, हेयर का जो सेक्शन है। सो ये बैक पे इसलिए मैंने हैवी लिए हैं क्योंकि क्लाइंट को जो पीछे से कलर है वो अच्छा खासा वाइब्रेंट चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से सेक्शन जो है पीछे से हैवी निकाल रहा हूँ, और बैक टू बैक वैसे ही फॉइल लगा रहा हूँ। ऐसा ही आप अपने क्लाइंट के साथ कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे ज़्यादा कलर चाहिए क्लाइंट को या फिर कम चाहिए, आप अपने क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेक्शन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल इवन मेरा जो है प्री लाइटनिंग आया है, कहीं पे भी पैच नहीं था। तो एप्लीकेशन कम्प्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को ले आए हैं शैम्पू स्टेशन के ऊपर, यहाँ पर हम क्लाइंट का जो है वो एक नॉर्मल शैम्पू से वॉश करेंगे, जो भी आपके पास प्योरीफाई शैम्पू हो, क्लिनजिंग शैम्पू, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे एक बारी वॉश कीजिए,
चाहिए प्री लाइटनर को, कोई भी प्री लाइटनर के पार्टिकल्स जो हैं वो हेयर पे नहीं रहने चाहिए। अगर कहीं पे भी थोड़े से भी पार्टिकल्स रह गए तो आपका जो डिपॉजिटिंग के टाइम पे कलर है वो प्रॉब्लम करेगा, आपका कहीं पे कलर जो है वो नहीं आएगा या फिर पैची कलर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले मैंने वॉश नहीं किया था, तो प्री लाइटनर के बाद मैं हल्का सा एक बारी शैम्पू से वॉश कर रहा हूँ। तो अभी जो येलो टोन है इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे विद पर्पल शैम्पू के साथ। तो आप देखेंगे आगे मैं यहाँ पे जो है पर्पल शैम्पू यूज़ करूँगा येलो टोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट को जो है वो कलर चाहिए गोल्डन एश में। तो ऐश उनको हल्की अपने टोन जो हेयर पे टोन है वो हल्की सी ऐश टोन भी चाहिए, इसलिए मैं जो है यहाँ पे इस कलर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूँगा, जो उनकी येलोनेस है उसको न्यूट्रलाइज करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्कॉच कॉफ का गुड बाय येलो जो है शैम्पू लिया है। ये पर्पल कलर का होता है जो कि येलो टोन को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज स्कीम कैसे काम करती है अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाई है बेसिक कलर थ्योरी की, तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं और न्यूट्रलाइजर स्कीम समझ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी मल्सीफाई किया है काफ़ी अच्छे से, ताकि जो येलोनेस है वो हेयर में निकल जाए काफ़ी ज़्यादा। इसलिए आप देखिए बिल्कुल अच्छे से मल्सीफाई किया है मैंने हेयर को, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो। ध्यान दीजिए इसको यूज़ करने के बाद, इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपका जो हेयर है वो हल्का सा ड्राइनेस की तरफ भी जाएगा। इसलिए आप इसकी बार बार एप्लीकेशन ना करें, 1 से 2 बार ही इसको यूज़ करें, और 2-3 मिनट अगर आप छोड़ेंगे तो आपका हेयर थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। उसके लिए आप टेंशन ना लें, लास्ट में आप डिपॉजिटिंग के बाद अच्छे से हेयर की जो है वो कंडीशनिंग कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ 2-3 मिनट रखने के बाद इसको जो है वॉश कर दिया है, बिल्कुल रिंस आउट कर रहा हूँ, और टॉवल रैप करके जो है क्लाइंट को वापस से मैं चेयर पे ले आया हूँ। अब हम यहाँ पे करेंगे इनका डिटैंगल। डिटैंगलिंग जो है मैं वो पैडल ब्रश के साथ कर रहा हूँ, जिसको हम फ्लैट ब्रश बोलते हैं। आप यहाँ पे डिटैंगलिंग कॉम भी यूज़ कर सकते हैं, और जो डिटैंगल है वो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करनी है। यहाँ पे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि शैम्पू हमने जो है एंटी कटर शैम्पू यूज़ किया है, जिसको अब गुड बाय येलो येलो जो शैम्पू था स्कॉच कॉफ का, इसलिए वो क्या है हेयर जो है ड्राई हो गया। आप हल्के हल्के हाथों से जो है वो डिटैंगल कीजिए, और डिटैंगल करने के बाद मैंने ड्राई कर दूंगा प्रॉपर, हेयर में बिल्कुल भी जो है वो मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम डिपॉजिटिंग करने लगे हैं अभी। डिपॉजिटिंग के टाइम अगर कहीं पे भी हल्का से वे हेयर जो है वो वेट रह गए तो वहाँ पे डिपॉजिटिंग होने में टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है मैं पहले कूल ड्राई करूँगा, उसके बाद मीडियम ड्राई, उसके बाद फुल हीट पे ड्राई करूँगा। कूल ड्राई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रहे थे, हेयर का जो टेक्सचर था वो ड्राई हो रहा था क्योंकि हमने कंडीशनर नहीं लगाया था, इसलिए मैं हीट कम से कम दे रहा हूँ हेयर पे। और अभी यहाँ पे मैं जो सिंगल ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ स्कॉच कॉफ की इगोरा 12-1। यहाँ 12-1 ये हाई लिफ्टिंग कलर होता है, जो हम इसको अप्लाई करने से क्या होगा कि जो हाईलाइट्स हैं उन पे भी हमें जो है वो कलर मिल जाएगा, और जो उनके ब्लैक हेयर थे ऊपर के उन पे भी हमें कलर मिल जाएगा। आप देखिए कैसे मैंने एप्लीकेशन की है और किस टेक्निक से मैंने सिंगल ट्यूब के साथ ही ग्लोबल प्लस हाईलाइट्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। सेक्शन जो है वो मैं फ्रंट से ले रहा हूँ यहाँ पे, और क्लाइंट को रूट से अपने कलर नहीं चाहिए था, क्लाइंट नहीं चाहता कि उसके जो हेयर पे है वो रूट्स पे है सॉरी वो कलर लगे, इसलिए मैं रूट्स पे नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपके क्लाइंट रूट्स से कलर मांगते हैं तो आप इसी कलर को हल्का सा 5 नंबर का बेस डाल के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 20 वॉल्यूम के साथ। ये कलर भी मैंने 20 वॉल्यूम के साथ ही मिक्स किया है, 20 वॉल्यूम के साथ मैं इसकी डिपॉजिटिंग कर रहा हूँ, और जो रूट्स पे है वो हल्का सा फिंगर के साथ मैं सिर्फ ब्लेंड कर रहा हूँ, और कॉम मैं अच्छे से कर रहा हूँ बिल्कुल, ताकि जो कलर है वो अच्छे से स्प्रेड हो सके, अच्छे से इवनली जो है हेयर पे आ सके। दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही एप्लीकेशन करेंगे जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं बिल्कुल फाइन सेक्शन के साथ। तीनों साइड एप्लीकेशन करने के बाद मेरा लास्ट सेक्शन जो रह गया है मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, रूट्स पे मैं नहीं लगा रहा हूँ फिर से। और जो उनका नीचे के हेयर थे आपने स्टार्टिंग में देखा था वो वहाँ पे ब्राउन थे, उन हेयर्स को जो है वो मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं शैम्पू स्टेशन पे ही इमल्सीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कलर को मैंने लगभग
30 मिनट्स के लिए या 35 मिनट्स के लिए लीव किया था ऊपर। अच्छा मेरे को बेस शेड भी मिल गया था और जो हाईलाइट्स हैं उस पर भी मेरी डिपॉजिटिंग हो गई थी 20 वॉल्यूम के साथ। अगर आपके हेयर ज़्यादा डार्क हैं, 3 नंबर का बाल है, तो आप 30 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन। तो सिंगल ट्यूब के साथ ही मैंने जो है वो ब्लैक हेयर को भी ब्राउन कर लिया था और डिपॉजिटिंग भी कर दी थी, और लास्ट में जो उनके कलर वाले बाल थे उस पर भी मैंने शैम्पू सेशन पे मल्सीफाई करके उसको एकदम इवन टोन कर लिया था। बिल्कुल भी वो अलग नहीं लग रहे थे, एकदम मैच हो गया था हेयर कलर सारा का सारा। अभी यहाँ पे मैं कंडीशनिंग जो है वो अच्छे से कर रहा हूँ, हेयर स्पा लगा रहा हूँ, इसके साथ मैंने थोड़ा सा सीरम भी अप्लाई किया था बीच में ही शैम्पू सेशन पे, ताकि जो हेयर का नरिशमेंट है वो अच्छा हो जाए, बाल थोड़े से हेल्दी लगें क्योंकि जो मैम है वो आयनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने हेयर्स पे, जिसकी वजह से उनके स्प्लिट एंड्स काफ़ी ज़्यादा थे, हेयर का जो एंड्स वाला पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई था। इसलिए मैंने जो कंडीशनर है या फिर जो स्पा है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया, ताकि जो हेयर है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और बालों को नरिशमेंट मिल जाए। तो ये कलर मैंने जो है वो काफ़ी टाइम जो लग गया था इस कलर को करते हुए, और काफ़ी लेट शुरू किया था, रात हो गई थी, और जो बाकी का रिज़ल्ट है वो हमने मॉर्निंग में आपको दिखाया है। अगले दिन का ये रिज़ल्ट है नेक्स्ट डे, रात को टाइम नहीं मिला था दिखाने का। सो कैसा लगा आपको रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर कुछ ना पता चला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा अगर आपको कुछ ना पता चला हो। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो जो है वो आपके पास टाइम पे आए। तो रिज़ल्ट को एंजॉय कीजिए, थैंक यू।